तो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस से डेटा अपने ऐप में रिट्राइव कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये है फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस। यहाँ पे पहले हम कुछ डेटा फीड करते हैं। सबसे पहले एक चाइल्ड क्रिएट करेंगे डेटा, देन उसके बाद फर्स्ट, देन यहाँ पे हम सपोज नेम दे देते हैं, अमन परमार। जेंडर मेल एंड ऐड कर देते हैं। ऐसी दो तीन ब्रांचेस और क्रिएट करते हैं। तो सेकंड, इसमें हम नाम दे देते हैं शिवम पवार, और जेंडर मेल इसको ऐड कर देते हैं। ऐसे तीसरी ब्रांच एक और क्रिएट करते हैं, इसको हम थर्ड, और इसको नाम दे देते हैं शर्मा एंड जेंडर सॉरी फीमेल। तो डेटा हमने डेटाबेस में ऐड कर दिया है। अब इस पूरे डेटा को हमको ऐप में रिट्राइव कराना है। तो अब हम वापस चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और ये है हमारा ऐप जिसमें लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट और बटन यूज़ किए थे, मैंने उन्हें डिलीट कर दिया है। आप अपना रूट लेआउट लीनियर लेआउट कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले ग्रेडल में चलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी होंगी, जिसमें से पहली है कार्ड व्यू, दूसरी है रिसाइकलर व्यू, तीसरी है फायरबेस यूआई डेटाबेस, और चौथी है ऐप कॉम्पैट V7 28.0.0, और लास्ट है मटेरियल। तो इस बात का ध्यान रखना कि रिसाइकलर व्यू, कार्ड व्यू और ऐप कॉम्पैट कि जो वर्ज़न होंगे डिपेंडेंसीज के वो सेम होने चाहिए, अदरवाइज रन टाइम में हो सकता है ऐप क्रैश हो जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल से स्टार्ट करेंगे। तो हमने रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी ऐड कर दी है। तो सबसे पहले रिसाइकलर व्यू विथ मैच पेरेंट हाइट मैच पेरेंट, इसको हम एक आईडी देंगे रिसाइकलर व्यू एंड डन। तो ये हमारा हो गया रिसाइकलर व्यू, एक्टिविटी डॉट मेन एक्सएमएल का काम हो गया। अब हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे, इसका नाम हम देंगे यूजर, यूजर। ये एक्टिविटी क्रिएट होने के बाद हमें स्ट्रिंग डिफाइन करना है, और ध्यान रखें कि स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए जैसे नेम आपने डेटाबेस में दिए हैं। तो डेटाबेस में हमने दिए हैं जेंडर और नेम, तो यहाँ पे भी हमें सेम वैसी स्ट्रिंग डिफाइन करनी है और सेम होनी चाहिए। उसके बाद एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, पब्लिक यूज़र, उसके बाद गेटर एंड सेटर मेथड्स। तो राइट क्लिक करके जनरेट पे जाएंगे और गेटर एंड सेटर मेथड्स, तो कंट्रोल प्लस ऑल सबको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये हमारी यूज़र डॉट जावा एक्टिविटी क्रिएट हो गई। अब इसका काम ख़त्म, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमें एक और एक्टिविटी क्रिएट जावा क्लास क्रिएट करनी होगी, जिसका नाम रहेगा होल्डर, बिकॉज ये हमारा व्यू होल्ड करेगी। तो इसको हमें सबसे पहले व्यू जो हमारी क्लास है होल्डर, इसको एक्सटेंड करते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है, तो वो इसलिए शो हो रही है क्योंकि हमने मेथड है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं करी है। तो रेड बल्ब पे क्लिक करके क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, तो ये हमारा एरर दूर हो गया। व्यू के लिए वेरिएबल क्रिएट करना है, व्यू व्यू
उसके बाद व्यू होल्डर के अंदर उस वेरिएबल को आइटम व्यू अब यहाँ पे हमें एक मेथड क्रिएट करनी है पब्लिक वॉइड सेट व्यू कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट उसके बाद स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग जेंडर स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग जेंडर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे अब हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है और रेफरेंस देना है जो कि हम साथ में करेंगे स्क्लेट और उसके लिए पहले हम लेआउट फाइल क्रिएट कर लेते हैं तो उसके लिए राइट क्लिक करके न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल इसका नाम हम रखेंगे डाटा देन ओके। अब टेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं और उसके रूट लेआउट को लीनियर लेआउट से कार्ड व्यू करते हैं जो हमने डिपेंडेंसी ऐड की थी तो कार्ड व्यू उसके बाद लीनियर लेआउट विथ मैच पैरेंट हाइट 40 dp हाइट रैप कंटेंट एंड देन सॉरी सो के बाद अगेन लीनियर लेआउट विथ मैच पैरेंट हाइट रैप कंटेंट एंड देन इसके अंदर हम टेक्स्ट व्यू डालेंगे टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट टेक्स्ट नेम देन अगेन टेक्स्ट व्यू इसमें वो डेटा दिखेगा जो हम सर्वर से रिट्राइव करेंगे तो इसकी विथ देंगे मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट और इसका साइज दे देते हैं टेक्स्ट साइज 20 sp और मार्जिन 10 dp एंड देन इसका टेक्स्ट साइज 20 sp। sp टेक्स्ट साइज की जब भी बात आती है तो हम sp यूज़ करते हैं और लेंथ की बात आती है तो हम dp यूज़ करते हैं। उसका टेक्स्ट साइज रखेंगे हम इतना देन आईडी देंगे हम इसको नेम टीवी और कार्ड व्यू की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम अभी देते हैं कार्ड व्यू कॉर्नर रेडियस 3 dp कार्ड व्यू यूज कॉम्पैक्ट पैडिंग ट्रू कार्ड व्यू बैकग्राउंड कलर एंड्रॉयड वाइट ठीक है और इसकी हाइट रैप कंटेंट के बाद
दे देते हैं नेम, ठीक है। और मार्जिन 10 dp फाइंड। अब इसको हम, इसकी ओरिएंटेशन हम सेट करेंगे वर्टिकल, सॉरी ओरिएंटेशन सेट करेंगे वर्टिकल, इसकी सेट करेंगे हॉरिजॉन्टल, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, और इसको कॉपी करके कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी कॉपी कर दिया हमने। अब हम इसकी आईडी चेंज, इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे, यहाँ पे जेंडर शो होगा जेंडर, और इसकी आईडी हम करेंगे जेंडर टीवी, जेंडर टीवी। सो हमारा लेआउट डेटा डॉट एक्सएमएल कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चलते हैं जावा वाली कोडिंग के पार्ट पे, तो इसको क्लोज कर देते हैं और मेक श्योर कि हमने आईडी दे दी है। हाँ हमने आईडी दे दी है। अब हम वापस चलते हैं होल्डर डॉट जावा पे। अब हम इसमें कोडिंग करेंगे, तो सबसे पहले हमने दो टेक्स्ट व्यू का यूज़ किया है, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू नेम टीवी, नेम टीवी इक्वल्स टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट नेम टीवी, देन अगेन टेक्स्ट व्यू जेंडर टीवी, जेंडर टीवी इक्वल्स टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट जेंडर टीवी। देन इसके बाद जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसको कॉल करते हैं, नेम टीवी डॉट सेट टेक्स्ट नेम, देन जेंडर टीवी डॉट सेट टेक्स्ट जेंडर। तो ये हमारा होल्डर डॉट जावा का कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे। यहाँ पे सबसे पहले हम रिसाइकलर व्यू का वेरिएबल देंगे, उसके बाद डेटाबेस रेफरेंस REF, देन फायरबेस डेटाबेस डेटाबेस, ओके। तो इसके बाद हम आ जाएंगे ऑन क्रिएट के अंदर, तो यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे, सबसे पहले रिसाइक्लर व्यू को रेफरेंस देंगे इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट रिसाइक्लर व्यू। देन उसके बाद रिसाइक्लर व्यू डॉट सेट हैज फिक्स साइज को हम ट्रू करेंगे। देन उसके बाद हम लेआउट मैनेजर को फिक्स करेंगे, रिसाइक्लर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, देन न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, देन दिस। अब इसके बाद हम डेटाबेस का रेफरेंस देंगे, डेटाबेस इक्वल्स टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, सॉरी। देन उसके बाद रेफरेंस इक्वल्स टू डेटाबेस डॉट गेट रेफरेंस, और ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको वही डेटा मतलब वही लिखना है जो आपने यहाँ पे चाइल्ड क्रिएट की है। तो चाइल्ड का नाम है डेटा, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे डेटा एंड देन क्लोज। अब इसके बाद हम ऑन स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे, तो जब भी एक्टिविटी स्टार्ट होगी ये मेथड कॉल होगी। तो इसके बाद जो हमने फायरबेस यूआई डिपेंडेंसी ऐड की है वो हमने इसीलिए की है
ताकि फायरबेस रिसाइक्लर एडाप्टर ये तभी शो होगा जब आप अपने क्रेडल बिल्ड में फायरबेस यूआई डिपेंडेंसी ऐड करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो ये शो नहीं होगा। तो यूजर, देन होल्डर, उसके बाद हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे फायरबेस रिसाइक्लर एडाप्टर इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल्स टू न्यू फायरबेस रिसाइक्लर एडाप्टर। देन हमारी पॉपुलेट व्यू होल्डर मेथड आ गई है। अब इसको एंटर करके यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र डॉट क्लास, देन आर डॉट लेआउट डॉट डेटा, के बाद होल्डर डॉट क्लास, देन रेफरेंस। अब हम अंदर आ जाएंगे व्यू होल्डर मेथड के। तो यहाँ पे हमको सिंपली होल्डर डॉट सेट व्यू मेथड, उसके अंदर गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, एंड देन हम कॉल करेंगे यूज़र डॉट गेट नेम, देन यूज़र डॉट गेट जेंडर। और ये पार्ट हो गया। देन यहाँ पे हम रिसाइक्लर व्यू डॉट एडाप्टर सेट करेंगे, सेट एडाप्टर फायरबेस रिसाइक्लर एडाप्टर। सो हमारी कोडिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं कि ये एरर कहाँ आ रहा है, कुछ हमने कम लिखा है या कुछ ज़्यादा लिखा है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। तो अब ठीक है, तो आप कहीं कोई एरर नहीं है। तो रन करने से पहले ध्यान रखें कि आपने मैनिफेस्ट फाइल में जाके इंटरनेट परमिशन दे दी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रन टाइम में ऐप क्रैश हो सकता है। तो हमने दिए, तो अब हम ऐप को रन करते हैं। और सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे ऐप में डेटा रिट्राइव हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह इमेज रिट्राइव कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ साथ। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।